बावले हो गए क्या? अरे जिंदगी में अगर तुमने जायदाद को तकसीम कर दिया ना, तो ये देने वाले हाथ ना फैलाने पड़ेंगे। अब इस बुढ़ापे में तुम अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाओगे? एक कपड़े लत्ते के लिए, दवा दारू के लिए अपने बच्चों से दरखास्त करोगे क्या? सोचो। क्या कह रही हो तुम? ये कितना भयानक नक्शा खींचा है तुमने बुढ़ापे की कसम कुर्सी का। ढाई मिनट बड़े, यही हकीकत है, यही। नहीं भाई, अगर ये हकीकत है तो ये तो बहुत खौफनाक हकीकत है। मैं अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैला सकता, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये अगर ये हकीकत ही है तो ये तो बहुत बहुत खौफनाक हकीकत है। मेरी अना, मेरी खुददारी, मैं नहीं भाई, इस हकीकत को मैं फेस नहीं कर सकता। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें अकल आ गई, तो बहुत ही परेशानी थी मैं। अरे फैसल, आप ये भूल के जा रहे हो, क्या हो गया? सॉरी यार। वो अगर आज आप ऐसे जल्दी आ गए ना, तो अब्बा जी की तरफ चलिए थोड़ी देर। हाँ क्यों नहीं। अब्बू जी खैरियत? सर भाई, वो तुम्हारे पास जितने भी चेक बुक्स हैं और कुछ मेरे साइन शुदा चेक्स तुम्हारे पास हैं, वो मेरे कमरे में पहुंचा दो, मुझे चाहिए। जी सर। और ये बैंक्स में जो जॉइंट अकाउंट्स हैं हमारे, मैं वो सब बंद करवाना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं समझना कि वजह बताई जाए। अबू, मैं आपसे वजह पूछने की गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं और अखराजात की स्टेटमेंट्स हैं, वो सब अपडेटेड हैं। आप जब चाहें। मैं कोई तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं बस अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। प्लीज ऑल दी चेक्स भिजवा दो। खैरियत तो है ना पैसे? सब क्या हो गया? मुझे नहीं पता। आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अबू ने जो चीजें मंगाई हैं वो उन्हें दे देता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना कि तूने सभा से नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, बस। वो सभा भाभी मुझे अच्छा पढ़ाती हैं, सही से समझाती हैं काम। वे भाभियों के कमरे में नहीं जाते होते, बड़ा भाभी का पुत्र तो देखो। भाई पढ़ूंगा तो सभा भाभी से ही पढ़ूंगा। तुम पढ़े लिखे फैशनेबल मॉडर्न लोग, क्या मुकाबला हमारा तुम्हारे साथ? हाँ लेकिन आप काशी को इस तरह से मारे तो मत। काशी तुम बताओ क्या हुआ? अरे अम्मा जी कह रही थी कि भाई ये भाभियों के कमरे में कदम ना रखा करो, ये हमारी कुछ नहीं लगती। हाँ तो ठीक है ना, अगर हम इनके कुछ लगते होते तो फिर हम क्यों उनके जाके कमरे में चीजें भी दिखाते जाके, क्या जरूरत है हमें? फूफी जान, क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? कर दिया था माफ मैंने, पर सारी रात में सो ना सकी इस वजह से कि हाय हाय मैंने इसको क्यों माफ किया। इतनी मैं पछताई कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? गलती सारी तेरी उस बहन की है, और तेरी भी गलती है कि तुम दोनों बहनें हो। अगर हो तो एक ही घर की ना दोनों। काशी तुम उठ के मेरे कमरे में जाओ, मैं आके पढ़ाती हूँ। और बाद में कर देना भाई, अभी तो मैंने पढ़ाई कर ली है ना। ठीक है, मैं की करा, की कर देता तेनू, जादू कर देता तेरे तेने। सॉरी
फूफे जान मान जाए ना, अब नहीं मैंने मानना, बिल्कुल मैं तुझे बता रही हूँ। अभी तेरे पियो को फोन करती हूँ, उसको बताती हूँ आखिर हम लोगों की भी कोई इज्जत होती होती है। अच्छा ठीक है, आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे ही सुलूक कीजिएगा, पर आज के बाद मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं गाजर का हलवा रख कर आई हूँ। गाजर का हलवा किसे ये वाला रास्ते से बन रहे हैं? अच्छा अच्छा, बादाम उसमें ढेर डालने हैं बड़े ज्यादा, और वैसे भी ना देसी घी भी जरा पा देंगे ना तो जरा चंगा लगेगा। हड्डियाँ बड़ी दर्द है ना, कमजोरी बड़ी महसूस हो रही है बड़े दिनों से मैंने ना। देसी घी तो डाल दूंगी, लेकिन आप तो मुझसे नाराज है ना, आप तो नहीं खाएंगी? नहीं मैं तेरे से तो नाराज नहीं हूँ बेटा, तुम इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह क्रीम अच्छी लगाई है तुमने, गोरी चिट्टी दूध लग रही है सबके जावा। लेकिन जो तेरी बहन है ना उसके साथ मैंने बिल्कुल कलाम नहीं करनी, टोटल मेरा उसके साथ कट ऑफ ही है जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो मैंने कर दिया। पता है उसको मैं सत्या के मैं अरे मैं सत्य जाऊँ जरा हलवा पक रहा है ना, हलवा नीचे बांध रहा कुछ बोल रहा आ गई मुझे। हाँ उसने मैं सब पता क्या किया, उसने मुझे कहा कि मैं फूफी जी आपको ना इधर जेबा की तरह तैयार करती हूँ ना, और आपको उसकी तरह का मेकअप करती हूँ, और उसने जो मैं सच किया मैं तुझे क्या बताऊँ कि उसने मुझे कार्टून ही बना दिया, वो कार्टून ही कार्टून बच्चों के होते वो उसने मुझे बना दिया, और इतना मेरा सारों ने मजाक उड़ाया, हाथ के सारे लोग सोबों से डिग पड़े, हालांकि सारों को पता है इस बात को, कसम खा के मैं तुझे कह रही हूँ कि मैं कितनी हसीन इतनी खूबसूरत हूँ, मैं हमेशा से ही हूँ, मतलब मुझे मेकअप की क्या जरूरत है, लेकिन उसने ये मतलब की ये मतलब ये बता दी। ये तो है, चलें अब आप गुस्सा थूक दें, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाती हूँ। अच्छा जल्दी जा फिर मैं सबके जाऊँ, सोने की लग रही प्यारी शक्ल बड़ी वैसे गोरी चिट्टी दूध लग रही है ऐसा करते मेरा जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक कह रहा है बाजी, इसकी बीवी बड़ी मोहब्बत करती है इसके साथ, जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती ना इसकी। हाँ बीवियां तो सबकी मोहब्बत करती हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही मजनू हो गया है। अब्बा जी पहले तो आप इनको बोलें अपना मुंह बंद रखें। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, आप कहें तो नेहा को भी साथ ले जाऊं। ओ भाई रहम कर जरा पिंड वालों पे। अब्बा जी देखे ना कितनी कमजोर हो गई है, गांव जाएगी तो दूध मक्खन खाएगी तो कुछ जान बनाएगी। क्या मतलब गांव और मैं और वो भी? और नेहा पुत्र उधर हमारी शुगर मिल बन रही है ना, इसलिए एक बंदे का उधर जाना जरूरी है। मारा गया बेचारा। खैर मैं जरा सभा को बता दूं कि ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, वो भी पेंड। चलो बे उठो चलो जाओ जाके तैयारी से शाबाश। अब्बा जी ओहो चलो भाई तैयारियां कर लें। राबिया क्या हुआ तुम्हें? तुझसे मतलब? हाँ है मतलब, तुम मेरी फूफी की बेटी हो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ बड़ी फूफी की बेटी हो या नौकरानी की बेटी हो? राबिया क्या हुआ है तुम्हें? फूफी फूफी होती है बाप जैसी, और तुम उसे नौकरानी से मिला रही हो। अरे छोड़ो अपनी हैसियत याद करा रही हूँ मैं। तो आखिर हुआ क्या है? मैं दस नियत तेनू की होया है। माँ जी खुदा के लिए अब इतनी मशहूरी करा के ना मुझे और जलील ना कराए आप। फूफी जी राबिया को किसी ने कुछ कह दिया है क्या? ओए कहते तो सारी उम्र से बड़ा कुछ है और हम सुनते भी जा रहे हैं, लेकिन अब तो चपेड़े मारनी शुरू कर दी है ना इन लोगों ने। क्या चपेड़? हाँ तो और क्या,
कल नेहा ने मेरी आंखों के सामने उसको इतनी जोर की चपेट मारी ना कि मैं बता नहीं सकती। क्या नेहा भाभी ने? हाँ। मगर क्यों? वो तू रहन दे क्यों और कैसे और कहाँ, बस उन्होंने औकात याद करानी थी ना हमारी, वो याद करा दी हमको। अच्छा चलो खैर छोड़ो, दवा करो, मैंने चाय बनाई है दूध पत्ती तेरे लिए, आके पी ले, आ जा। सारी अब तो आपको बच्चों की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात का क्या सामना है, आप बच्चों को जेब खर्च दे दिया करें, और खबरदार अपने पास से कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं आपसे। आप अपने बेटों पे शक कर रहे हैं? शक की क्या बात है, इसमें हिसाब हिसाब है। आपका क्या ख्याल है, मैं आपके बेटों से उनके सामने हाथ फैलाऊं, भीख मांगूं उनसे? लाना करे, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करेंगे तो फिर उसमें आपको नुकसान भी तो हो सकता है। क्यों नुकसान क्यों होगा भाई, मैंने फैसला कर लिया, अब कल से मैं खुद ऑफिस जाया करूंगा। क्या हो गया आपको, आपकी पहले ही तबीयत खराब रहती है, इन झमेलों में पड़ेंगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो गया मुझे, आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बीमार हूँ, हाफजा खराब हो गया मेरा, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मरने के करीब हूँ मैं, क्या चाहती हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, आप तो हर बात में मरने की बात शुरू कर देते हैं, आपका जो दिल में आ रहा है ना आप वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही। अब मैं बच्चों से नहीं मांगूंगा, बच्चे मुझसे मांगेंगे। अहमद आप अब्बा जी को समझाएं ना, अगर भेजना ही है तो आपको भेज दें, यूसुफ को क्यों? क्यों तुम जान छुड़वाना चाहती हो मुझसे? तो आप भी हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ कम से कम नेहा को घर वालों का डर होता है, अगर वो गांव चली जाएगी तो पता नहीं यूसुफ की जिंदगी कैसे कैसे अजाब कर दे। अच्छा जिंदगी सिर्फ यूसुफ की अजाब हुई और मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद होने का कोई गम नहीं तुम्हें? बात सुनो नेहा। नेहा अपनी जिंदगी तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। नेहा कल भी तुमने घर में रौला डाला था, आज तुम ये नई गंध शुरू कर रही हो। हाँ अहमद भाई आप भी सबक का साथ दे रहे हैं, मेरी तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है फिक्र तुम्हारी, तुमने गांव नहीं जाना मत जाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि यूसुफ तुम्हारे साथ यहीं रहेगा कराची में। नेहा अपनी जिंदगी की हकीकत से आंखें फेरोगी तो एक दिन यही हकीकत भयानक शक्ल इख्तियार करके तुम्हारे सामने आएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, यूसुफ ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, उसे एक्सेप्ट कर लो। अच्छा प्लीज मैं तुमसे यहाँ पे बहस करने नहीं आई, मैं सिर्फ अहमद भाई को ये बताने आई हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही, और हाँ अगर किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अब्बा जान से खुद बात करूंगी। ओ कोई जरूरत नहीं है अब्बा जी के सामने मुंह खोलने की, तुमने गाँव नहीं जाना ना मत जाओ, मगर ये अपने मसले मसाइल अब्बा जी तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको ये भी नहीं पता कि तुमने राबिया के साथ कल क्या हरकत की है। थैंक यू एमी। किस बात का थैंक यू? आपने मुझे सपोर्ट किया। ओ मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये ना समझना मैं रन मुरीद होकर अब तुम्हारी बातें मानूंगा, ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा है ताकि तुम्हारी बहन जो है वो मेरे अब्बा जी के आगे मुंह ना खोले, जुबानें बहुत चलती हैं तुम लोगों की। थैंक यू। ये जरूर फैसल भाई का कोई नया बहाना है, उन्होंने भाभी के कहने पर ये अब्बू वाला ड्रामा रचाया। ऐसे नहीं बोलते अहमद, भाई भाभी से बदगुमान नहीं हो,
अरे वो दोनों तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तुम कह रही हो सारा? हाँ? तुमने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अपना सब कुछ अलहदा कर लूं, रिमेम्बर? हाँ ठीक है ना, अब कल की गलती को आज दोहराने का फायदा। बाय द वे कौन सी गलती? ठीक है कि मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने घबरा कर नफरत का दरवाजे पर दस्तक दे दी, अब बदगुमानी का हाथ थाम लिया। मगर मैंने अम्मी अब्बू को उलझते हुए भी देखा है और जो कुछ भी उन्होंने किया अपनी मर्जी से किया है। आपको पता है अब्बू ने फैसल भाई से सब कुछ वापस ले लिया। क्या? मैं भी कहूँ आज फैसल भाई ऑफिस क्यों नहीं आए? उनका सेल भी ऑफ था। मैं अभी अब्बू से बात करूँ। नहीं नहीं ठहरे, वो आप अब्बू जी से कोई बात ना करिएगा ना, गुस्ताखी होती है, वो अब्बू है हमारे, बड़े हैं, उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। अब आप ने कोई बात की तो वो अगर एतराज कर गए तो? यकीन नहीं आ रहा सारा। खैर मैं अबू से ना कुछ सवाल करूंगा ना ही उनसे कुछ जवाब। अबू हैं थैंक यू अहमद। फूल है तुम्हारी कि तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे अपनी मनमानी करने के लिए? लिबास नीचे रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बेडरूम की हकीकत कमरे से बाहर निकले। मुझ पे ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, दो मिनट में सब कुछ चीख चीख के बता दूंगी कि जबरदस्ती का बंधन है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, सुना तुमने? भूल है तुम्हारी, मैं तुम्हें इसलिए साथ ले जाना चाहता हूँ कि तन्हाई का कोई फायदा उठा सकूं। तो ठीक है, आज इसी घर में तुम्हारा ये गुरूर मैं खाक में मिलाऊंगा। खबरदार जो मेरे करीब है, मैं कहती हूँ पीछे हटो वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी कोई धमकी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ, कब से दरवाजा बजा रही? दरवाजा क्यों? यूसुफ क्या हुआ? नेहा ये क्या किया तुमने? यूसुफ नेहा, क्या खुदा है मैं क्या करूं? ये कैसा शोर है? मैं क्यों है क्या लगी? ए चुड़ैले तूने कुछ कर दिया? माँ जी कमाल भाई छेड़ती आओ। जल्दी कर जल्दी जल्दी कर बेटा शाबाश। ध्यान ना ध्यान ना। अरे होया की को समझ नहीं आई गल दी। आ जा आ जा। या अल्लाह बिस्मिल्लाह।